Dear students, let us study bonding in coordination compounds. In the previous video, we discussed sp2 hybridization, that is square planar complexes. Today we will discuss sp3 hybridization in coordination compounds. The hybridization, as the name suggests, means which there is intermixing of 1s and 3p orbitals, thus resulting in formation of 4sp3 hybrid orbitals. जैसा कि मैंने कल बताया था कि जो coordination compounds में hybridization होती है उसमें और जो कोवलेंट कंपाउंड्स की जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें क्या फर्क है. बेसिक डिफरेंस है कि इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स द हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स इंटरमिक्सिंग ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स. वेकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ द बैलेंस शेल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन. This is the basic difference. Whereas in case of covalent compounds, the orbitals with unpaired electron or with lone pair electron undergo hybridization. Today, as I said, we will discuss hybridization in what type of compounds. Coordination compounds with coordination number 4. इनमें coordination number 4 है. उनमें हम आज discuss करेंगे. Today we will discuss hybridization in those compounds. So let us discuss NiCl4 2 negative molecule. NiCl4 2 negative molecule. जो बेसिक प्रिंसिपल है वो सेम है. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम. जैसे इस एग्जांपल में निकल इज द सेंट्रल मेटल आयन. जो निकल एटम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होनी चाहिए. क्या कॉन्फ़िगरेशन है? इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज 3d8 4s2. What the configuration? Next step is we must know the oxidation state of the central metal atom. हमें जो central metal atom या आयन है उसकी oxidation state का पता होना चाहिए. जैसे इस केस में in this example oxidation state of nickel is +2. How we calculated that oxidation state? जैसा कि हमने rule पढ़ा है कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शुड बी इक्वल टू चार्ज कैरिड बाय द कॉम्प्लेक्स आयन. दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 4 क्लोराइड शुड बी इक्वल टू -2. क्लोराइड का हमें पता है 1 क्लोराइड की -1 है, 4 क्लोराइड की -4 है. निकल -4 इज इक्वल टू -2. तो निकल इज इक्वल टू -2 +4, दैट इज +2. या दूसरे तरीके से बच्चे सीधा यहां से भी हम निकाल सकते हैं. हमें पता है क्लोराइड -4 है, 4 क्लोराइड -2 यहां पे बैलेंस बच रहा है. इसका मतलब -4 में से -2 जो है वो यूटिलाइज हुआ है. तो बुक्स ने किया अंडरस्टूड निकल में और कोई तो है नहीं. इसका मतलब साफ है कि निकल की ऑक्सीजन स्टेट इसमें क्या होनी चाहिए? +2. तो जब हमें पता चल गया कि निकल इसमें +2 स्टेट में है तो हमने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑर्बिटल फॉर्म आप सर्कल भी ड्रा कर सकते हैं, आप स्केयर भी ड्रा कर सकते हैं टू रिप्रेजेंट ऑर्बिटल आपकी चॉइस. मैंने यहाँ पे स्केयर्स ड्रा किए. ये बच्चे देखिए 3d 4s4. मैंने सीधा निकल +2 की कॉन्फ़िगरेशन लिखी. मैंने निकल को इग्नोर कर दिया. ऐसे आप लिखना चाहें तो जैसे हमने कल किया था, आप निकल +2 की कॉन्फ़िगरेशन लिखने के पहले निकल की भी लिख सकते. तो निकल की अगर लिखते 3d8 4s2
की होगी 3D8 4S0, प्लस टू टू इलेक्ट्रॉन का लॉस। अब क्वेश्चन राइज होता है कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज इन दिस कॉम्प्लेक्स। अगर आपको याद है कल हमने एक कॉम्प्लेक्स स्टडी किया था, निकल का ही था, वो वाज द निकल कॉम्प्लेक्स NiCN4। ये कॉम्प्लेक्स हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, NiCN4-, इसमें भी निकल प्लस टू स्टेट में था, इसमें भी चार नेगेटिव लिगेंड थे। आज के स्ट्रक्चर में और जो कल हमने डिस्कस किया था उस स्ट्रक्चर में बेसिक फर्क क्या है, टाइप ऑफ लिगेंड का जो बेसिक डिफरेंस है, इसमें साइनाइड इज द लिगेंड और जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें क्लोराइड इज द लिगेंड। कल जो हमने डिस्कस किया था अगर आपको याद है तो उसमें साइनाइड ने पेयरिंग करवा दी थी किसकी, इन दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन की, और उसमें डीएसपी टू हाइब्रिडाइजेशन हुई थी। अगर मैं अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं दिखा भी सकता हूँ, यहाँ पे देखिए was the complex which we discussed the previous day, NiCN4-, so there was pairing, yahan pe dekhiye aap, yahan pe pairing hui. Maine kal bataya tha ki jo cyanide hai that is strong feeling, it causes pairing, then ye apne dimag mein rakhna aap hai ki cyanide strong field hai, ye pairing karta hai. Yahan pe aapne jo balance bond theory ne jo concept use kiya usi ko likhna hai. Usne kya concept use kiya, usne iski magnetic property ko use kiya balance bond theory. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये देखा गया कि दिस कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक, ये वाला NiCN4-, उसके बेसिस पे ये प्रेडिक्ट किया गया देयर मस्ट बी पेयरिंग ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ये तो बाद में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने क्लियर किया कि पेयरिंग क्यों होती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये नहीं बताती बच्चे क्यों होती है, वो सिंपली रिलाई करती है किसके बेस पे कि कॉम्प्लेक्स आपका पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक, उस पर रिलाई करती है ना। ये चीज हमें किसने बताई है, स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड कौन पेयरिंग करता, ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने बताई है, वो हम बाद में देखेंगे, वो थ्योरी भी हम पढ़ेंगे हमारे सिलेबस में है। इस वाले कॉम्प्लेक्स में बच्चे चूंकि जो क्लोराइड है वो वीक फील्ड लिगेंड है, ये पेयरिंग नहीं करता है, लेकिन इस थ्योरी में इसने किस पे रिलाई किया, इसने इसके मैग्नेटिक बिहेवियर पे रिलाई किया। देख ये देख, एज द कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स NiCl4-, इज पैरामैग्नेटिक, का मतलब साफ है कि इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं, और अनपेयर इलेक्ट्रॉन अगर हैं मीन पेयरिंग नहीं हुई है, इट मीन देयर शुड बी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए बच्चे, sp3, दैट इज स्ट्रक्चर शुड बी टेट्राहेड्रल, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, टेट्राहेड्रल, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर, ये नहीं है कि थ्योरी ने बोल दिया वो टेट्राहेड्रल हो गया, स्ट्रक्चर हैज बीन कंफर्मड, स्ट्रक्चर को बाद में साइंटिस्ट ने कंफर्म किया इट इज टेट्राहेड्रल। NiCN4-, is scale planar at this tetrahedral, and it is based on that this complex is paramagnetic. ठीक है, हाँ साइड पे मैंने नोट जरूर लिखा है, पर ये आपने अपने जनरल नॉलेज के लिए रखना है, यहाँ नहीं लिखना है। इसमें क्या लिखा है मैंने कि साइनाइड इज ए, दिस क्लोराइड इज ए वीक फील्ड लिगेंड, कैन नॉट कॉज पेयरिंग ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन एंड हेंस देयर इज sp3 हैवन। हमें किसने बताया, मैंने बताया आपको क्रिस्टल फील्ड। उसके बाद नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स हम स्टडी करते हैं बच्चे, लेट अस स्टडी Zn Ni3-4-2 पॉजिटिव, दिस कॉम्प्लेक्स। अब इसमें भी प्रोसीजर वही है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिंक, वैलेंस शेल की, खासकर जिंक की कॉन्फ़िगरेशन है बच्चे 3D10 4S, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिंक। दूसरा स्टेप है कि ऑक्सीजन स्टेट क्या है जिंक का, अमोनिया इज न्यूट्रल, इट मीन जो प्लस टू चार्ज जो कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर है वो जिंक का है। आफ्टर दैट वी फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक एंड वी फाइंड इट इज प्लस टू। इस कॉम्प्लेक्स में कौन सी स्टेट में है बच्चे, प्लस टू स्टेट, जिंक इज इन प्लस टू स्टेट, हमें पता चल गया कि जिंक प्लस टू। प्लस टू स्टेट में इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी क्या होगी बच्चे, 3D10 लिख दी। अब इसमें हमें सोचने की जरूरत है, पेयरिंग इसमें पॉसिबल ही नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो अंडरस्टूड है जिंक अपनी कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब नहीं करेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है इधर द कॉम्प्लेक्स इज स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल,
तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि दिस कॉम्प्लेक्स शुड बी टेट्राहेड्रल, इसमें और कोई चांस ही नहीं है, दैट इज देयर मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखा के बाद में कॉम्प्लेक्स बनानी चाहिए। क्रॉस मैंने बताया, क्रॉस हम दिखाते हैं, क्रॉस का मतलब ये नहीं कि यहाँ कुछ नहीं है, क्रॉस का मतलब इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को दिखाने का तरीका इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स इज CuCl4 3 नेगेटिव, दिस इज द कॉम्प्लेक्स CuCl4 नेगेटिव। अब इसमें बच्चे आपने क्या करना है, इसमें फिर से आपने सेंट्रल मेटल एटम आर आयन जो भी है उसको देखना है, सबसे पहले देखना है कि इसमें मेटल एटम कौन है, कॉपर है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको आनी चाहिए क्या है, यू नो कॉन्फ़िगरेशन इज Cd10 4s1, यू नो नहीं पता है तो याद कर लीजिए, 3d सीरीज की कॉन्फ़िगरेशन जैसे मैंने बोला आपको आनी चाहिए, 3d कॉन्फ़िगरेशन यू मस्ट नो, क्योंकि जितने भी कॉम्प्लेक्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं दे बिलोंग टू 3d सीरीज एलिमेंट, है ना। अब हमने लिख दी, अब दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है कि कॉपर की इस कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। बच्चे देखें यहाँ पे चार क्लोराइड है, चार क्लोराइड का मतलब चार नेगेटिव, पर इसके ऊपर तो 3 नेगेटिव है, तो एक नेगेटिव कहाँ गया, इट मीन अंडरस्टूड है कॉपर ने न्यूट्रलाइज किया, कॉपर शुड बी 1 पॉजिटिव, एक नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए एक पॉजिटिव चाहिए, कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन +1 स्टेट में फिर आपने लिखनी है, आपको पता चल गया कि कॉपर +1 है तो राइट द कॉन्फ़िगरेशन इज +1 स्टेट, क्या होगी 3d10 4s0। बच्चे इसमें भी देखिए सोचने की जरूरत, 3d10 मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, कॉपर इसको कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा, अंडरस्टूड है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो देयर मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए sp3, इसमें दूसरा सोचने की जरूरत नहीं, प्रॉपर्टीज देखने की जरूरत नहीं है, पैरामैग्नेटिक डायमर है, वैसे ये कॉम्प्लेक्स क्या है डायमर है, होना भी चाहिए, देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऊपर वाला कल को आपको पूछ ले ये कॉम्प्लेक्स क्या है, आप कह सकते डायमैग्नेटिक, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स NiCNCO4, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो हम नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, हमने प्रीवियस जो दो डिस्कस की थी और वेरी सिंपल, दिस इज वेरी टिपिकल कॉम्प्लेक्स NiCO4। इसमें खास बात क्या है, एक तो निकल इसमें 0 ऑक्सीजन स्टेट में है, क्योंकि इसमें कार्बोनाइल ग्रुप लिंगेंड का काम कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए न्यूट्रल लिंगेंड, NiCO4 दिस इज द कॉम्प्लेक्स, अंडरस्टूड है इसमें निकल कौन सी स्टेट में है बच्चे 0, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी निकल की 3d8 4s2, इसी स्टेट में इसने बच्चे क्या कोऑर्डिनेशन का मोड बनाया है 3d8 4s2, बच्चे ध्यान से देखना इसको, ये हमने लिख दी इसकी कॉन्फ़िगरेशन 3d8 4s2, ये कैसे लिखते ही तो पता है ना आपको, आपने याद रखना बच्चे आपने रूल्स पढ़े हुए हैं, एक पॉली स्टीरीन प्रिंसिपल और एक होन्स रूल, पॉली स्टीरीन प्रिंसिपल क्या बोलता है, व्हाट डज इट से, पॉली स्टीरीन प्रिंसिपल व्हाट डज इट स्टेट, पॉली स्टीरीन प्रिंसिपल क्या आता है, नो टू ऑर्बिटल्स can have more than 2 electrons. Sorry. Polystyrene principle कहता है एक orbital में 2 से ज्यादा electron नहीं आते. No orbital, and 2 बोल दिया, no orbital can have more than 2 electrons. एक बार 2 से ज्यादा नहीं आते. दूसरा ये कहता है कि जो 2 electron होते, they should be a haploid spin. Haploid spin. और होन्स रूल क्या कहता है कि ऑर्बिटल विद सेम एनर्जी, जब ऑर्बिटल विद सेम एनर्जी हो, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट अकर अंटिल ईच ऑर्बिटल कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन, होन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। देखिए हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, किसी बच्चे को नहीं पता है 11th में आपने पढ़ा है, इसी में रिपीट कर रहा हूं, नहीं पता है इस चीज को दिमाग में रखना, आप ऐसा नहीं ना करें कि 3d8 है तो आप ऐसे भर के आ जाए, दिमाग में आया ऐसा ना हो को पता ना हो, जैसे ये है बच्चे 1 2 8 है 3 4 2
दो बढ़ते जाए बच्चा ऐसे, 5, 6, 7 और ऐसे बढ़ते जाए और एक खाली छोड़ दे, दिस इज रॉन्ग। एक तरीका क्या है, पहले एक एक बारी 1 1 1 1 फिर पेयरिंग करें। जब ऑर्बिटल सेम एनर्जी की हो, पेयरिंग तब तक नहीं कर सकते जब तक सब में एक एक ना आ जाए। 3D5 पांच इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी, सॉरी पांच ऑर्बिटल सेम एनर्जी के हैं, पांचों में पहले एक एक जाए फिर पेयरिंग हो। इस चीज को अपने दिमाग में रखें। ये बच्चे आ गया 3D8 4s। अब देखिए बच्चे इसमें हमें एक दुविधा में फंस गए। कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। हाँ तो इसमें होनी चाहिए कौन सी हाइब्रिडाइजेशन बच्चे, sp2। ना होनी चाहिए बच्चे कौन सी, sp3। इसमें ना चांस बन रहा है कौन सा, dsp2 का, ना चांस बन रहा है sp3 का, s भरा हुआ है। अब हमने क्या देखा, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को चेक किया, वी फाउंड दैट दिस कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक। ये कॉम्प्लेक्स क्या है देखें बच्चे, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक का मतलब है कि इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि कार्बोनाइल लिगेंड ने जब इस के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए अप्रोच किया तो इसने 4s इलेक्ट्रॉन को अंदर पुश कर दिया, अंदर पुश कर पेयरिंग करवा दी। दोनों इलेक्ट्रॉन की क्या होगी बच्चे देखिए, बस मेकिंग अवेलेबल 4s ऑर्बिटल फॉर बॉन्डिंग, 4s को खाली कर दिया, नाउ इट कैन अंडरगो sp3 हाइब्रिड। हमें कहां से पता चला बच्चे, दिस कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक। ये कॉम्प्लेक्स क्या है, डायमैग्नेटिक। उसके बेसिस पे इट वॉज प्रेडिक्टेड दैट बोथ द 4s इलेक्ट्रॉन हैव बीन फोर्स्ड टू पेयर अप विद 3d इलेक्ट्रॉन। 4s वाले हैं उनको फोर्स किया कार्बोनाइल ने, कार्बोनाइल भी आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जैसे आपने देखा कौन साइनाइड इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड है, इसने पेयरिंग करवाई। अब हमारे पास 4 ऑर्बिटल आ गए, पूरा ऑर्बिटल, नाउ इट कैन अंडरगो व्हाट, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो निकल की कॉन्फ़िगरेशन लिखिए ग्राउंड स्टेट में, इसमें एक बार फिर से लिखनी पड़ेगी क्योंकि पेयरिंग इसमें हुई है, बेशक ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसमें पेयरिंग हुई है। कैसे पता चला हमें, अभी तक हमने डिस्कस किए स्केयर प्लेनर और टेट्राहेड्रल। स्केयर प्लेनर में जिनमें dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, टेट्राहेड्रल जिनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन। Next video we'll discuss octahedral complexes with coordination number 6. Thank you. Thank you very much.